सब्सक्राइब कीजिए टेक्सअप यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। हे गाइस, वेलकम टू वंस अगेन माय चैनल। दोस्तों, मैं हूं सानू और आप देख रहे हैं टेक्सअप यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक वीडियो थी मेरी जिसमें मैंने बताया था कि आप ओप्पो और वीवो के किस डिवाइसेस में वीडियो कॉलिंग को लेकर एक इशू था, यानी कि आप नेटवर्क का यूज करके वीडियो कॉलिंग नहीं कर पा रहे थे, चाहे फिर वो 4G नेटवर्क हो या फिर 3G नेटवर्क। दोस्तों, हमें वीडियो कॉलिंग की जो फीचर्स मिला वो 3G नेटवर्क के आने के बाद हो चुका था, और जब से 3G नेटवर्क आया जब हम इसके बाद हम वीडियो कॉलिंग कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर कुछ डिवाइसेस हैं जिसमें हम वीडियो कॉलिंग बड़ी आसानी से कर पाते, जैसे शाओमी की डिवाइस हुई या फिर नोकिया की डिवाइस हुई या फिर सैमसंग की डिवाइस हुई, उसमें हम बड़ी आसानी से हमारे डिफॉल्ट डायलर से भी हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ ओप्पो और वीवो की कुछ डिवाइसेज है, या फिर हम बात करें कुछ चाइनीज़ कंपनी, उनमें हमें एक सबसे बड़ा इशू देखने को मिल रहा है कि हम हमारे डिफॉल्ट डायलर का यूज करके, यानी कि हम नेटवर्क का यूज करके वीडियो कॉलिंग नहीं कर पा रहे। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो कॉलिंग करने के लिए हमें कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करना पड़ा, जैसे कि व्हाट्सअप हुआ या फिर अदर मैसेंजर एप्लीकेशन हुए, उसकी मदद से हमें वीडियो कॉलिंग करना पड़ता है। या फिर अगर हमारे पास सपोज़ कीजिए कि डाटा नहीं है, नेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो हम वीडियो कॉलिंग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर मुझे कमेंट करके पूछा है कि जो वीडियो कॉलिंग के लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, तो उसके लिए कंडीशन है कि हम जिस एप्लीकेशन से वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं और जिसके लिए हम कॉल कर रहे हैं उसके पास वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए, उस पर अकाउंट होना चाहिए, इसके बाद ही या फिर उसके साथ ही उसका डाटा भी ऑन होना चाहिए, तभी हम उसके लिए वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे। अन्यथा हम उसके लिए अगर हम वीडियो कॉल करेंगे तो वो कनेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम जब एक वॉइस कॉल करते हैं तो उसके लिए हमें कोई भी नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती है। हम किसी को कॉल करते हैं, उसके जरूर नहीं उसके पास डाटा नेटवर्क हो, कनेक्टिविटी हो, जैसे हम उसे कॉल करते हैं उसके पास कॉल जाता है और हमारी बात हो जाती है। सिंपली इसी तरीके से हम डिफॉल्ट डायलर या फिर नेटवर्क का यूज़ करके वीडियो कॉलिंग कर पाते हैं। बाकी सभी डिवाइसों में, यहाँ पर कुछ चाइनीज़ की डिवाइस की बात करें या फिर ओप्पो या फिर वीवो की उस डिवाइसों को लेकर बात करें, तो उसमें हम डिफॉल्ट डायलर या फिर नेटवर्क का यूज़ करके 4G कॉलिंग या फिर वीडियो कॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा इशू है। दोस्तों, यहाँ पर मुझे बार बार इसी चीज़ के लिए पूछा जा रहा है, तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें इसके लिए बताया गया है, अलग अलग आपके लिए कोड बताया गया है, आप अपने डिफॉल्ट डायलर में उसको यूज करेंगे, डायल करेंगे तो आपकी एक सेटिंग खुल जाती है, उसमें आप जो वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन है उसे एनेबल कर सकते हैं या थर्ड पार्टी का यूज करके। बहुत से ऐसे तरीके हैं जो कि सारे फेक हैं, मैंने भी बहुत सारे ट्राई किए, कोई भी मुझे काम नहीं आया। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए बता देता हूँ, अभी तक ऐसा कोई सिस्टम में अपडेट नहीं आया, ना तो वीवो की तरफ से ना ही फिर ओप्पो की तरफ से, जिसमें कि हम डिफॉल्ट डायलर या फिर नेटवर्क का यूज़ करके 4G या फिर वीडियो कॉलिंग कर पाएँ। दोस्तों, अभी तक मैं वीवो V7 यूज कर रहा हूँ, जिसमें मुझे इशू सबसे ज़्यादा लगता है। इसके लिए मुझे अलग अलग एप्लीकेशन का यूज़ करना पड़ता है, अलग अलग पर्सन के लिए कॉल करने के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जिस एप्लीकेशन का मैं यूज कर रहा हूँ वो एप्लीकेशन भी उनके पास इंस्टॉल हो। इसके लिए मुझे अलग अलग एप्लीकेशन का यूज करना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर कमेंट्स करके पूछा है कि मैं एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं दिया, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए प्रॉपर सोल्यूशन बताने वाला हूँ। दोस्तों, इसके लिए हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, जब तक सिस्टम में कोई ऐसा अपडेट नहीं आ जाता जिसमें हमें 4G या फिर हम वीडियो कॉलिंग कर सकें हमारे डिफॉल्ट डायलर या नेटवर्क का यूज़ करके, तब तक इसके लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करना ही पड़ेगा, चाहे फिर आपके लिए एक से ज़्यादा अलग अलग एप्लीकेशन का यूज करना पड़ेगा जिससे कि आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब सिस्टम में एक अपडेट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वीवो और ओप्पो के लिए फीडबैक मैंने भेजकर भी देखा, यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, और यहाँ पर बताया जाता है जब भी एक नया अपडेट आता है वीवो की तरफ से या फिर नया अपडेट आता है ओप्पो की तरफ से, और सिस्टम अपडेट करने के बाद हम सबसे पहले उसी फीचर्स को चेक करते हैं, तो वो वाला फीचर हमें वहाँ पर नहीं मिलता है। दोस्तों, देखते हैं, अभी तक कोई भी सिस्टम में ऐसा अपडेट नहीं आया। हाँ, फिलहाल कुछ फ्लैक्सी डिवाइस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रेंज की डिवाइस हैं, उनमें ये फीचर्स आपके लिए मिल जाता है, यानी कि आप नेटवर्क का यूज करके बिना किसी डाटा कनेक्शन के वीडियो कॉलिंग कर पाते हैं। और अगर हम बात करें वीवो V7 या फिर इस रेंज की डिवाइस, जो कि काफ़ी अच्छी रेंज की डिवाइस, हम 15 से 16 हज़ार रुपये अगर खर्च कर रहे हैं और उसके बावजूद हमें एक 4G कॉलिंग या फिर हम बात करें वीडियो कॉलिंग नहीं मिल रही, तो हमारे पैसे यानी कि वेस्ट ही जा रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों, इतना ही कहना चाहूँगा, अभी सिस्टम में कोई ऐसा अपडेट नहीं है जिसमें आपके लिए तरह तरह के एक मेथड बताएंगे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सारे फेक हैं। चाहे आप फिर कोई कोड यूज कीजिए या फिर कुछ भी यूज कीजिए, क्योंकि जब तक सिस्टम में अपडेट नहीं आया, जब तक वीवो या फिर ओप्पो या फिर कंपनी की तरफ से कोई अपडेट नहीं दिया गया, तो वो आप अपने डिवाइस में कैसे यूज कर सकते हैं, यानी कि आप उस फीचर्स का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिवाइस के लिए वो फीचर दिया ही नहीं गया या फिर वो फीचर्स बना ही नहीं गया उस डिवाइस के लिए। तो इसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा अगले अपडेट के लिए, हो सकता है जब भी एक नेक्स्ट अपडेट आए उसमें
आप क्ली वाला फीचर्स मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं जब तक आप यूज कीजिए अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग एप्लीकेशन से आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं आप सभी के लिए, क्योंकि हो सकता है हम कुछ बेसिक एप्लीकेशन में आपके लिए बता दें। जैसे अगर आप यूज़ करते हैं व्हाट्सअप, व्हाट्सअप एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपके लिए हर डिवाइस में मिलेगा, आप उसका यूज़ कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर उसकी भी क्वालिटी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे और भी एप्लीकेशन है, जियो 4G वॉइस का यूज़ कर सकते हैं, वो भी जिसके पास जियो फोन सिम यूज कर रहा है उसके पास तो वो एप्लीकेशन इंस्टॉल रहता ही, तो उससे भी आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल मैं यहाँ यूट्यूब पर नया हूँ, मैंने अभी यूट्यूब ज्वाइन किया है, तो मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।